हेलो एवरी वन अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल आई नो कि आज आ, फिर से एक नया सेशन है क्रैश कोर्स का फिर से आप लोग बहुत एक्साइटेड है चीज़ों को सीखने के लिए है ना तो बच्चों देखो कोलिजन आज मैंने क्यों टॉपिक लिया है बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता रहेगा कि सर आप ऐसे सीक्वेंस में क्यों नहीं जा रहे हो पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो तो देखो एक तो पहली बात ये कि हम अभी पहली बार नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारा क्रैश कोर्स वाला सीन है तो यहाँ पे मुझे आपको वो सारी चीज़ें पढ़ानी है जहाँ पे आप फंसते हो जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो जो टफ़ टफ टॉपिक्स टफ हैं हर एक चैप्टर के और जो श्योर शॉट आते हैं मुझे वो पढ़ानी चाहिए या फिर मैं आपको कहानियाँ सुनाते रहूँ बोलो आप समझ रहे हो ना मेरी बात कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरा बच्चा किसी भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में या किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ना फंसे और मैं हमेशा उसके लिए ऐसी डिफिकल्ट चीजों के लिए कोई ऐसा मास्टर ट्रिक कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड कोई ऐसा गो टू मेथड ऐसा सिखा दूं कि जब भी इस तरह का कोई भी सिचुएशन आए तो आप हंड्रेड परसेंट कर लो और आज बच्चों कोलिजन आपने पढ़ा होगा कन्वेंशनल तरीके से हर जगह पढ़ा होगा मैंने भी पढ़ाया जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा थ्योरी के हिसाब से पढ़ाता हूँ कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर सारी इक्वेशन से गेम्स खेलते हैं और वो इक्वेशन बच्चों आपको याद नहीं रहते क्योंकि कोलिजन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो टाइप एक टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे सिंपल वाला कहानी होती है जो सिंपल वाली वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा जहाँ पे होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मैक्सिमम एनर्जी तक आती है ठीक है All right. और एक और तरीका होता है जहां पे आपने देखा होगा दो बॉल्स करते हैं दो बॉल्स की -on कोलिजन होती है है ना दो आए को किए या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे से टकराएगा और आपसे हमेशा ना दो बातें पूछी जाती है बच्चों आपसे पूछी जाती है हमेशा की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और आपसे यह पूछा जाता है कि एनर्जी लॉस अगर हो गया तो कितना होगा और फिर हमने ये भी देखा था कि कोलिजन को कैरेक्टराइज करने के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग मापदंड हैं अलग अलग मेथड हैं जिससे कि आप कोलिजन को डिवाइड कर सकते हो क्लासिफाई कर सकते हो इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक ये, ये बहुत सारे प्लास्टिक ये बहुत सारे तरीके हैं तो कहीं ना कहीं फिर इसमें आता है एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन वाली कहानी आ जाती है तो ये सब सारी रिलेटिव वेलोसिटी और इतना सब कुछ हो करके हर क्वेश्चन के लिए आपको आपको तीन इक्वेशन निकालने पड़ते हैं मतलब कि आपको तीन इक्वेशंस लिखना पड़ता है और इसमें इसमें होता होता क्या है इसमें होता है आपका टाइम वेस्ट इसमें क्या हो जाता है टाइम वेस्ट हो जाता है ठीक है ठीक okay? ओके इसमें आपका टाइम वेस्ट हो होता है मैं देख सकता हूं सारे बच्चे आ गए हैं बहुत सारे बच्चे आ गए रोहन रोहन तनिषा क्या बात है अमित फातिमा वो तो हमेशा ही रहते हैं हमारे सेशंस में एकदम रेगुलर है है ना सचिन अगर हो सचिन है एकता है वृत्ति भी आजकल बहुत रेगुलर रह रही है है ना सज्जन भी बहुत रेगुलर रहते हैं परवेज ओके नमन श्रीवर्धन अब तो मुझे बच्चों के नाम याद हैं है ना सलोनी तो ये सारे जो है ना अपने रेगुलर बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने एक सेशन और लिया था जहां पे मैंने कन्वेंशनली आपको बताया था कोल्यूशन लेकिन आज वक्त है जब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक दूं एक ऐसा रामबान दूं एक ऐसी संजीवनी बूटी दे दूं चाहे उसका जो भी नाम लिख लो कि एक फॉर्मूले से सर मेरे सारे क्वेश्चन बन जाए क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि सर एक फॉर्मूला दे दो बस कोलिजन दिखे मैं वो फॉर्मूला लगाऊं और मेरा काम हो जाए ठीक है तो बच्चों आज का सेशन कहीं ना कहीं इसी के राउंड है आज का सेशन अरे नहीं यार शेख साहब आपको नहीं भूले हैं मैं अपने किसी भी बच्चों को नहीं भूलता ठीक है पवन को भी नहीं भूला अरे नहीं अब देखो मैं एक साथ सबका नाम ही लेते रह जाऊंगा तो यही काम यही काम करते रह जाएंगे है ना ऑल दम इश्यू विथ द सेशन आई थिंक इट्स क्या हुआ इज देर सम लैग ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चों एक बार मुझे बता दो हाउ इज देर सडनली अ ड्रॉप आर वी लाइव येस सब क्लियर है बाई एवरी थिंग इज ओके क्लास स्टॉप तो नहीं हुई है अभी सब ठीक है सब ठीक है रोहन कृष्णा बता दो यार एक बार सब ऑडियो वीडियो क्लियर है नाउ क्लियर ऑल ओके ऑल ओके जसगी मियत हम सब जिसगी मियत हम सब कोई तो सिग्नल दो जिससे मुझे पता चले हा भाई सब ठीक है तो शुरू करे कहानी है ना ठीक है हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चले एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज फाइन चलिए बढ़िया अच्छी बात है हाँ तो देखो पहले जो भी चीजें कन्वेंशनली आपने पढ़ी हैं उसको जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू वन वन सुपर सुपर डुपर ट्रिक फॉर बोथ ऑफ अब यहां पे दो ही चीजें पूछे जाते हैं आपको पूछ बोला है ना बस इतना ही आएगा तो बस इतना ही आएगा का क्या मतलब है कि पिछले तेरह सालों में से सिर्फ दो चीज पूछ रहे कोलिजन से ध्यान से सुनना मेरी बात पिछले तेरह सालों में सिर्फ दो चीज पूछ रहे हैं कोलिजन से कि कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी देखो कहानी की सिचुएशन मोस्टली सेम रहती है कि पहले दो बॉल्स थे वो चाल, चल रहे थे ठीक तो है, है? है और एक दूसरा सवाल ये पूछते हैं ये बार बार कि इसमें हीट कितना हो गया अब मैं एक बात और बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आप ये कन्वेंशनल तरीके से नहीं बना पाओगे हंड्रेड परसेंट आप बना जाओगे कन्वेंशनल तरीके से भी आप बहुत आसानी से बना जाओगे लेकिन लेकिन इसमें एक कैच है कन्वेंशनल तरीके से तो आप बना जाओगे लेकिन अगर कन्वेंशनल तरीके से आप बनाने के लिए जाओगे बच्चों तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा टाइम वेस्ट हो जाएगा ऑल राइट right? तो इसलिए ये टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला दे दूंगा उस फॉर्मुले से दो तीन क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे आपको दो तीन सिचुएशंस भी दे दूंगा फिर कुछ होमवर्क दे दूंगा ताकि आप बहुत आसानी से ये सब कर जाओ ऑल राइट ठीक है चलो एकदम क्लियर है तो बता दो पहले सीखने से पहले शुरुआत करने से पहले गाइज आप सबने अपना नोटबुक पेन पानी की बॉटल सब रख ली है ना सब रख लिए, सब लोग तैयार है बिल्कुल हाँ जोश कैसा है हाउ इज द जोश टुडे कैसा है भाई हाउ इज द जोश गाइज बोलो आज द जोश एकदम हाई होना चाहिए आज का जोश एकदम हाई होना चाहिए क्योंकि आज आप कुछ ऐसी चीज सीखने वाले हो जो आपको आपके कॉम्पिटेटर से एक अलग लेवल का एज देगा अगर कोई अच्छा बच्चा जो अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाता है वो भी अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां कर सकता है ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो सकती है ठीक है तो आपका जोश जो बहुत हाई होना चाहिए आज दो फॉर्मूले आपको एकदम रट के जाने हैं याद करके जाना है उसका एप्लीकेशन भी सिखा दूंगा और इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ, आ, वो नहीं वो होगा मिस नहीं होगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो है है? किसी भी सिस्टम पे बच्चों अगर नेट फोर्स जीरो नेट अनबैलेंस फोर्स को हम क्या बोलते थे of of और ये कौन सा फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम तो तो लिखना है फाइनल मोमेंटम लिखना है? है ना और मोमेंटम किसका सिस्टम का किसका भाई सिस्टम का क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है ना तो इस बात को समझिए आप सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो हमें इनिशियल मोमेंटम लिखना है हमें फाइनल मोमेंटम लिखना है और दोनों को इक्वेट करा देना सिर्फ इतनी सी कहानी है इतना सा काम करना आपको momentum, आपको इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल और इक्वेट करा देना है इसमें, कितने इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसमें एक कोई चीज नहीं दी होगी और पहले उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आएंगे अपन मेन मास्टर ट्रिक पे एक फॉर्मूला बन के आता है यहां से ओके ठीक है चलो तो

इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था भाई ये था मास मान लेते हैं एम वन और इसकी वेलोसिटी थी वी वन ठीक है तो क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का एम वन वी करेक्ट फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई फाइनल लिख दे? यही तो कहानी है अब देखो एम वन पता है वी वन पता है एम वन पता है एम टू पता है और वी फाइनल निकालनी है तो वी फाइनल क्या हो जाएगा एम वन वी वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू कितना आसान ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया तो पहला जो क्वेश्चन बन के आता है बच्चों वो सीधा आपसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वो टारगेट करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही ये सवाल आपसे पूछेंगे और आप बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हो सिचुएशन एकदम सिंपल था पहले उन्होंने एक ब्लॉक रखा उसको चला दिया कुछ वेलोसिटी से बाद में ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया है ना और फिर दोनों कुछ और वेलोसिटी से चलने लगते हैं है ना तो सिस्टम का वन थाउजेंड इन टू फिफ्टी मस्ट बी इक्वल टू थाउजेंड प्लस टू फिफ्टी टाइम्स वी या वी फाइनल जो भी नाम रखो इसको अगर आपने सही से सॉल्व किया होगा तो इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा फोर्टी 40 is absolutely right. 40 एकदम सही, बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब है और ऑप्शन ए हो गया अपना करेक्ट. ठीक है, ये सभी बच्चों से बन गया वेरी इजी एकदम सही बात है एक गन ऑफ मास हंड्रेड के जी एक सौ के जी का गन है उससे 200 ग्राम का एक बुलेट फायर होता है इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड मजल स्पीड मतलब क्या होती है जब जस्ट आपकी बुलेट निकली है जैसे आपने गन को फायर किया ना तो जो जो गन का बैरल है जो जो गन का माउथ है 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 ना वहां से जस्ट बुलेट निकली है, उसकी वेलोसिटी कितनी है. ठीक है कैलकुलेट द रिक्वाइल स्पीड ऑफ द गन बहुत ही सिंपल है फिर से अगर मैं गन और बुलेट इन दोनों को क्या मान लेता हूं अगर मैं गन को और बुलेट को दोनों को साथ में सिस्टम मानता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नेट फोर्स नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है हाँ कि ना बोलो ये पहला टाइप का सवाल आ रहा है अभी बहुत इजी इजी मुझे पता है है ठीक तो देखो जैसे अगर आपने जैसे फायर किया तो कुछ ऐसा होगा मैं आपको स्लोमो में थोड़ा दिखाता हूं कि देखो स्लोमो में क्या होगा और मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है जैसे ही आपने इसको फायर किया ना जैसे ही ये बाहर निकला उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई और गन आपकी पीछे चली जाएगी क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है इसमें इस केस में क्या हो रहा है नेट मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो आपको पहले ऐसे सिचुएशंस को एनालाइज कर लेना है जहां पे पे कि सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अगर ऐसा होता है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या लिख देंगे मास ऑफ द गन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये हो गया इनिशियली है ना ये इनिशियल कंडीशन में अब देखो मास ऑफ़ गन तो है पर वेलोसिटी ऑफ़ गन जीरो है है यानी कि ये हो गया जीरो करेक्ट मास ऑफ़ बुलेट तो है, लेकिन वेलोसिटी तो तो कि तो तो गन किधर जाना चाहिए भाई उल्टी दिशा में जाना चाहिए है ना? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मास ऑफ द गन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द गन फाइनल

तो मैं इस कैलकुलेशन में भी नहीं जाता क्यों नहीं जाता ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इस बात को एक बात बताओ अगर बुलेट ऐसे निकली है तो गन कैसे आया होगा रिकॉइल अगर बुलेट इस डायरेक्शन में मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गई है तो गन किधर रिकॉइल हुआ होगा माइनस एक्स डायरेक्शन में हां की ना यह बात सभी को समझ में आ रही है हां की ना जो भी डायरेक्शन बुलेट की होगी उसके ऑपोजिट गन जाएगा है ना करेक्ट तो यानी कि अगर कोई भी ऑप्शन अगर एक ही ऑप्शन नेगेटिव है यानी कि वही करेक्ट है सिंपल सी बात है यानी अगर मैं मैं अगर इस सब को देखता तो मैं सीधा इसको टिक मार देता सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस सवाल को कर सकते थे दो सेकंड में आपको यह दिमाग लगाना था कि चलो यार जैसे ही मैंने फायर किया बुलेट गई आगे तो गन होगा पीछे तो बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं तो यानी कि गन की वेलोसिटी पीछे होनी चाहिए और इस केस में हम इसे सॉल्व भी नहीं करते क्योंकि एक ही ऑप्शन है ना जो नेगेटिव है अरे समझे तेज बनना पड़ेगा आपको इन सब चीजों में जैसे ही आपने इसको टिक मार दिया खत्म आपको चार नंबर मिल गए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बिंदास और ये कोई वर्क नहीं है ये आपने लिटरली अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लिया है ऐसा नहीं है कि हम गेस कर रहे हैं भाई आप समझ हो ना मेरी बात तो ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से एकदम पारखी नजर से देखनी है Options को जो आप देखोगे और अपने 50 सेकंड 40 सेकंड जो भी सेकंड बचा सकते वो बचाएं और अपने अगले क्वेश्चन पे डाल दें ये बात सभी को समझ में आई तो क्या करोगे हार्डवर्क करना तो इंपॉर्टेंट है ही यार बच्चा हार्डवर्क के बिना तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन आपको क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है क्या करना है हमेशा स्मार्ट वर्क सो बी विजिलेंट क्या बोला मैंने बी विजिलेंट और आप क्या करोगे हमेशा टारगेट क्या करोगे तनु बोलो श्रीवर्धन जीवन क्या करोगे आप हमेशा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है हार्ड वर्क आप सब करते हो मुझे पता है घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई करते हो लेकिन इन सब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे रैंक की तरफ पहुंचा देगी बहुत अच्छे रैंक की तरफ पहुंचा देगी अब इसी में अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया एक ही रिसोर्स है आपके पास एक ही संपत्ति है वहां एग्जाम के टाइम पे वो है टाइम आपके पास टाइम बहुत कम है ये बात को समझो नीट स्पीड टेस्ट है है वो आपको हिंट्स देता है कि बेटा अपना टाइम बचा लो पर क्या करेंगे हम अगर लगे रह जाएंगे ऐसे करने में तो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे ये काम हमें नहीं करना है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते जा रहा हूं स्ट्रेटजी के थ्रू मैं आपको कितना भी सिखा दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन अभी कितने बच्चों को यह समझ में आया तो अगली बार कोई ऐसा सवाल आएगा बच्चों तो आप हमेशा क्वेश्चन के साथ क्या पढ़ोगे ऑप्शन भी पढ़ोगे बोलो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे पढ़ोगे ना पक्का हंड्रेड परसेंट पढ़ोगे ना प्रॉमिस करो कि हाँ प्रोमिस डेफिनेटली मैं ऑप्शन भी पढ़ूंगा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के नहीं रह जाना है देखो इस इस हिंट को लेने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ऑप्शंस को पढ़ो दो सेकंड रुको और सोचो कि क्या हो रहा है सोचो कि क्या हो रहा है ठीक है ऑलराइट राइट ठीक है ना ये बात समझ में आ गई सब बच्चों ने प्रॉमिस किया है अपना वादा निभाना है बच्चों अपने रैंक को अपने मार्क्स को ऐसे अपने हाथों से नहीं फिसलने दे सकते अपन है ना ये पाप हो जाएगा अगर आपने ऐसा करा तो चलो आगे करते हैं अगले क्वेश्चन को पक्का करोगे जल्दी से करोगे देखो ध्यान से अब बुलेट विथ मास वन के जी वेलोसिटी थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हिट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास नाइन के जी इन इलास्टिकली परफेक्टली इन इलास्टिक है यानी कि वो गया और उसके अंदर एम्बेड हो गया वो उसके अंदर ही जाकर के रुक गया जैसे ही ऐसा लिख दिया ना इन इलास्टिकली परफेक्टली यानी कि दोनों चिपक गए इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन मतलब आट, आटा होता है ना आटा मम्मी जो बनाती है गोल गोल रोटी अरे खाया है, रोटी खाए हो ना हाँ मम्मी क्या कर रही हो आटा सान देना जरा गोल मुझे ना प्लास्टिक कोलिजन करना है ऐसे नीचे फेंकोगे तो वो चिपक जाएगा वो करेगा बॉल की तरह समझ रहे हो ये 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 बात है ना तो ये जो ये जो प्लास्टिक कोलिजन होता है इसमें क्या होता है बॉडीज चिपक जाती है बॉडी चिपक जाती है और जब भी अगर आपको ऐसा लिख दे जैसे कि इसमें लिखा है कि अब बुलेट विद मास 1 केजी एंड वेलोसिटी इतना तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता चल गया है ना और ये किसके बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा है ना तो इनिशियल देखो सभी बच्चों ने बना भी लिया सभी बच्चों ने बना लिया देखो इससे समझ में आता है कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होती जा रही है कितनी अच्छी होती जा रही है अब आपकी और आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करने लग रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता चला जाएगा कि यार मैं ना फालतू का ही चीजों से मैं फालतू में ही डर रहा था ठीक है समझ में आ रही है बात तो ये जाता है बुलेट और जाकर के बैठ जाता है कहां उस मास में तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बस यही कहानी करते जाना है एक बॉडी चली थी है ना इनिशियल मोमेंटम हमने लिखा उसका फाइनल मोमेंटम लिखा है ना और फिर वीएस निकाल दिया खत्म 30 मीटर पर सेकंड सभी बच्चों ने निकाल लिया क्या आप बात है यार? नीट का आया हुआ क्वेश्चन तो कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा टफ क्वेश्चन में क्या करना होता है वो भी मैं बताऊंगा और टफ क्वेश्चन के लिए एक मास्टर फॉर्मूला एक मास्टर ट्रिक आपको सिखाऊंगा ठीक है सब लोग एक्साइटेड ना आज के मास्टर ट्रिक को सीखने के लिए बोलो एक मास्टर ट्रिक एक फॉर्मूला और कोलेजन के जितने टफ सवाल हैं, जितने भी वो बॉल बॉल वाले सवाल हैं, इधर से टकरा रहे सर उधर से टकरा रहे सर, सब खत्म चुटकी में खत्म और आज आप चुटकी बजाते बजाते वो सॉल्व करोगे याद रखना ये बात ठीक है कहीं पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी कोई भी आपको इतनी गहराई में जाकर के नहीं बताता ना ये सब ये बातें सिखाता है मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे ने अपना पांच सेकंड भी बचा लिया मेरे से पढ़ के और अगर उसने एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लिया उसके थोड़े भी मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए तो मैं ये मानूंगा कि मेरा टीचर होना सफल हुआ ठीक है अगर आप ये सब चीजें सीख ले रहे हो आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल जाओगे वो बेचारा कोलिजन और मोमेंटम और यही सब लगाता रह जाएगा कंजर्वेशन लगाता रह जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगाता रह जाएगा आप उसका आंसर निकाल करके आगे निकल जाओगे ठीक है एक फॉर्मूला से सब हो जाएगा श्रीवर्धन बिल्कुल एक फॉर्मूला से हो जाएगा समझ रहे हो ठीक है ठीक है टेंशन मतलब उसका अभी मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला एकदम प्यार से समझना उस चीज को शॉर्टकट ट्रिक को और एकदम मजे से आगे चले जाना और हाँ, सेशन को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया अभी तक लाइक नहीं किया तो यार अभी तक मैंने कुछ ऐसा आपको बताया नहीं जिससे मैं लाइक डिजर्व करूं ठीक है तो जब मैं बता दूंगा जब आपको मजा आएगा तभी लाइक करना समझ में आ रही है बात ठीक है अगर अभी तक आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी अभी भी आपको बहुत मजा आ रहा है अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो चीज मैं बताने वाला हूं उसके बाद आपको खुद मजा आएगा तो आप खुद करोगे खुद कमेंट करोगे खुद कमेंट सेक्शन में आओगे और बताओगे कि सर आज तक किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं आज तक किसी ने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया नहीं हम तो सर इक्वेशन पे इक्वेशन लिखते रह जाते थे चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगा है लेकिन फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है देखो क्या है अ बुलेट विथ ग्राम

बोलो ये तो समझ गया ना कि प्लास्टिक पेंडुलम क्या होता है व्हेन द बुलेट हिट्स द पेंडुलम इट स्विंग्स अप फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड राइजेस टू हाइट एच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एच हमें एच डिटरमाइन करना है तो देखो सिचुएशन में हो क्या रहा है यहां से हमने बुलेट को करा फायर ये बुलेट गई इस पेंडुलम में जाके घुस गई और बिकॉज़ ये इसमें जा करके लगी है पेंडुलम उठ गया होगा अब अगर हमने एच निकाल लिया तो फिर एच इज इक्वल टू यह क्यों उठा जितनी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी भाई यही तो कन्वर्ट हो गई ना ये मान लो यहां पे उठ करके यहां तक आकर के रुक गया तो मान लो ये एच हाइट उठ गया होगा मान लो ये एच हाइट उठ गया ठीक है तो ये पूरी की पूरी, पूरी काइनेटिक एनर्जी बुलेट की किसमें कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में अब एच तो बहुत आराम से आप मेजर कर सकते हो ना इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है ना एच तो बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर समझ रहे हो अब देखो एक्चुअली हम यूज करते हैं एच हमें पता होता है हम वेलोसिटी निकालते हैं एक्चुअली जो काम होता है जो जो सच में हम गन की टेस्टिंग करते हैं बच्चों जब कोई गन बनता है और हमें चेक करना है कि दो गन्स हैं किस में से बुलेट ज्यादा तेज निकल रही है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये सब करने के लिए ना हम लैब के सेटअप में जाते हैं ऐसा नहीं कि किसी को उठाया और चलो गोली धनाधन दन मार रहे हैं ऐसा नहीं करते ठीक है हम क्या करते हैं हम अपने गन्स को लेकर के जाते हैं लैब में और लैब में इस तरह की बेलिस्टिक पेंडुलम सेटअप को लगाते हैं और वहां पर जाकर के फायर करते हैं जब हम अलग अलग गन से फायर करते हैं वो अलग अलग हाइट तक जाती है और ये हाइट हम एक्चुअली में मेजर करते हैं और फिर इससे ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी रही होगी ठीक है लेकिन क्या सर यार, यार, तो <laughs> यार, तो यार कहीं भी पढ़ा रहा हूं ठीक तो <laughs> है थीके? थीके? यह, पे भी पढ़ाने में उतना ही मजा है आपको उतना ही अच्छे से समझ में आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता क्या फर्क पड़ता है समझ रहे हो तो एक्चुअली होता यह है कि हम की कहानी करते लेकिन यहां पर उल्टा पूछ दिया हमने आपको वेलोसिटी दे दिया तो बताओ कितना हाइट तक उठेगा बता देंगे कोई बात नहीं इतनी छोटी छोटी चीजें पूछोगे तो बता नहीं देंगे क्या बता देंगे ना भाई है ना क्या ये पहले बुलेट और इस

मेरे टेलीग्राम का लिंक ये सारा कुछ दिया हुआ है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू हो रही है आप अपना कोई भी पैकेज चूज कर सकते हो और अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हो तो आपको वाई टी नीट टेन अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है स्मार्ट प्ले अपडेट हो चुका है और ऑफकोर्स uh, टेलीग्राम चैनल की बात मैं क्या ही करूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे तो मेरे से बात करने में भी बहुत मजा आएगा ठीक है और हाँ अब वक्त आ चला है जब मैं बोल सकता हूँ कि अब लाइक

करूंगा मैं अरे मैं दौड़ते दौड़ते अपने छोटे भाई को मार दिया से ये हुआ फिर पिटाई खाओगे <laughs> तो ऐसा काम नहीं करना है जनरल मतलब चीजों में क्या पढ़ी थी ठीक है अरे थर्मोडायन तो करवा लिया ना यार करवा दिया है मैंने थर्मो ठीक है जाकर के देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्ले में आपको मिल जाएगा जब आपने रेगुलर कन्वेंशनल तरीके से कोलिजन पढ़ा था ठीक है जब आपने रेगुलर कन्वेंशनल तरीके से कोलिजन पढ़ा था बच्चों तब आपने पढ़ा था कि पहले हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है उसके बाद ये इक्वेशन आएगा हाँ कि ना ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था याद है कुछ ये सब कुछ पढ़ा था ना ये सारी बातें पड़ी थी ना कि पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन हर टाइप के कोलिजन में वैलिड होता है चाहे वो इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो जैसा भी हो अगर वो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है तो फिर हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिड है इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं होती बट इनिशियल और फाइनल बराबर होता है ये सारी चीजें पड़ी थी इतने सारे इक्वेश लिखे थे उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होती है वही हमेशा पूछते हैं तो वी वन और v2 का इतना दुखद फॉर्मूला हमने याद किया था याद है वी वन और v2 का अलग से बहुत दुख वाला फॉर्मूला याद किया था फिर इसके स्पेशल केसेस देखे थे हमने स्पेशल केसेस क्या थे स्पेशल केसेस अगर एम वन एम टू के बराबर हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है अगर दोनों मासेस बराबर हो ठीक है अगर दोनों मासेस बराबर हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है देख लो ठीक है और अगर एक मास बहुत बहुत, बहुत बड़ा हो

एक्चुअली सही बात है आपको ये सब फॉर्मुले की जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी मैं बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है लेकिन मैं आपको बस याद दिला रहा हूं कि कैसे कैसे कन्वेंशनल चीजें आपने पढ़ी थी कैसे नॉर्मल सारी चीजें आई थी आपने ये भी देखा था कि अगर बॉडीज के मासेस बराबर हो जाते हैं तो जितने से बॉडी जा रहा है उसका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है और एक और केस क्या था मैन इसलिए ये दो केसेस स्पेशली बता दे रहा हूं ताकि आपको ना किसी भी फॉर्मुले को अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चन पढ़ो और सीधा आंसर टिक मारो मैंने क्या बोला क्वेश्चन पढ़ो और सीधा आंसर टिक मारो क्या ऐसा हो सकता है कोलिजन में ध्यान से सुनना ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आपको ऐसा दिया कि दो बॉल है बराबर के मास के हैं। या दो साइकिलिस्ट हैं बराबर के मास के हैं या दो ट्रक हैं बराबर के मास के हैं कोलाइड करते हैं एक पांच से आ रहा है एक तीन से आ रहा है ऐसे कोलाइड करे तो कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी तो दोनों की इंटरचेंज हो जाएगी जो तीन से आ रहा था वो पांच से चला जाएगा और जो पांच से आ रहा था वो तीन से चला जाएगा ये बात समझ रहे हो ऑल right, ये बात समझ में आ रही है ना ठीक है ओके okay? ये बात सभी को समझ में आ रही है तो सिर्फ आपको सिचुएशन देखना अगर इक्वल है कोलिजन कोई फॉर्मूला कुछ करने की जरूरत नहीं दूसरा केस जब हम दीवार से टकरा देते हैं ठीक है अब गए दौड़ते हुए मैं कोलिजन करेगा आज तो मैं दीवार को तोड़ कर रहेगा है ना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं मैं मांझी बनेगा तो गए आप जाए दीवार से टकराए इलास्टिक कोलिजन हुआ वा वह वापस घूम के आ जाओगे दीवार को कुछ नहीं होगा ये बात समझ रहे हो ठीक है तो मान जी तो माउंटेन मैन बनना बंद करो तो क्या मैं बोल रहा हूं अगर कोई ऐसी बॉडी के ट्रक को उड़ाऊंगा मैं ठीक है ट्रक बेचारा चुपचाप खड़ा है तो आप दौड़ते दौड़ते गए साइकिल चलाते चलाते ट्रक में मारा वापस रिवर्स गियर से उतने ही वेलॉसिटी से वापस आ जाओगे ये बात समझ में आया ठीक है ये बात समझ में आ गई ठीक right. है हाँ, अगर दीवार टूट जाती है फिर वहां पे वो वाली कहानी आ जाती है यार कि कितना एनर्जी लॉस हो गया ये जो कोलिजन हुआ था ये ये उसके बाद जो है सॉलिड मैकेनिक्स वाली कहानी आ जाती है ना स्ट्रेस स्ट्रेन वो सारी बातें आ जाती है ठीक है ऑल राइट ये समझ में आई बात सभी को समझ में आई ना तो देखो इसके बेसिस पे इन दोनों केसेस केसेस के बेसिस पे भी ना नीट आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ देता है अब एक बात बताना कि जब ये इन दोनों केसेस के बेसिस पे आपसे सवाल पूछता है लेकिन ये भी नहीं है ये भी आपको सब लोग बताते हैं ठीक है सर एक दिन के सेशन में सीबीएसई के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो प्लीज सर टेलीग्राम पे एक पीडीएफ शेयर कर दो पूरे ट्वेल्थ ठीक है मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा यार देखो एक सेशन में पूरे डेरिवेशन कौन कर सकता है भाई शॉर्टकट <laughs> <laughs> मैं, मैं ट्रिक लिए, लिए हो सकते हैं जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो पूछते हैं उनके लिए आपको कैसे गो टू मेथड दे दूं उस पर काम कर रहा हूं तो उस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए है ना ठीक है लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगा ओके ठीक है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेरीवेशन का मैं करता हूं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं ठीक है हाँ, अभी देखो ध्यान दो तो ये दोनों आपसे पूछ लेते हैं जब भी पूछे तो सीधा ऑप्शन देखना और आंसर टिक कर देना मैं आपको दिखाता हूं नीट में आया हुआ एक सवाल क्या है टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी कोई अपना पेन टच नहीं करेगा सिर्फ कीबोर्ड पे या फोन पे टाइप करोगे करेक्ट आंसर अगर किसी ने पेन टच करा तो सच बता रहा हूं मैं गुस्सा हो जाऊंगा उससे मैं धमकी दे दूंगा ठीक है ठीक है? देखो answer, answer टाइप कर देखो। बिना किए इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है और सीधा आंसर दे देना है यार अगर आपने बिना पेन टच किए सीधा आंसर किया है तो अपने लिए भी तालियां बजाओ क्योंकि अब आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करना सीख रहे हो ये इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा आपने ये सीखा कि कौन से क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है <laughs> सभी बच्चों ने बना लिया क्या कुछ भी करने की जरूरत थी इसमें क्या कुछ भी करने देखो तो स्मार्ट स्मार्ट होना किसको कहते हैं इसी को कहते हैं कि एक सिचुएशन था वो सिचुएशन को मैंने समझ लिया और जैसे ही वो सिचुएशन मुझे दिखा उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ठीक है देखो डॉक्टर निखिल बेटा सबके लिए बोर्ड है यार सबके लिए होंगे ठीक है ये तो मैनेज करना पड़ेगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है करो अभी ये रैंक के लिए करो एम्स के लिए करो याद रखना ये बात समझ ये बात? क्या, बोला? मैंने ball, 5 -3 तो क्या हो जाएगा ठीक है इन वन वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द बी बताओ 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई A जा रहा था कितने से 0.5 से बी जा रहा था कितने से माइनस करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी अब देखो कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0.5 इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना इंटरचेंज हो जाएगा ना माइनस जीरो ठीक है अब क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव और वेलोसिटी ऑफ बीमा ऑप्शन करेक्ट आया जीरो पॉइंट फाइव और माइनस जीरो पॉइंट थ्री ऑप्शन बी करेक्ट है और सभी बच्चों ने अंधाधुन फायरिंग करी और कर दी गलती भैया आगे क्वेश्चन को पूरा तो पढ़ो क्या पूछा है अरे अब समझ में आई गलती कॉन्सेप्ट <laughs> की गलती थी क्या हाँ चश्मे की गलती थी चश्मे की ठीक है <laughs> बोलो दिन में भी नहीं दिख रहा क्या बहुत बुरा नतीजा होता है लापरवाही का सही बात है ठीक है हाँ बस एक दो बच्चे ने अब देखो कैसे आपके मार्क्स चले गए समझो इस बात को आपका मार्क्स चला गया माइनस वन करके आ गए पांच नंबर चले गए आपके चार नंबर जो करेक्ट होते और एक माइनस और करके आ गए क्या सीखा इस क्वेश्चन से क्या सीखा बिल्कुल करेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है क्वेश्चन को पूरे इत्मीनान से इज्जत से पढ़ना है क्या सीखा हमने ठीक है हाँ ब्लंडर है ब्लंडर ठीक है क्या सीखा आपने कि क्वेश्चन को पूरे इत्मीनान से इज्जत से पढ़ो और खास करके जो बात पूछी हुई है उसको दो बार पढ़ो जो चीज पूछा है ना उसको दो बार रेशियो ऑफ इज इज टू टू या RB RA, इस चीज को एकदम एकदम ध्यान से पढ़ना है अभी देखो अभी ना आप प्रैक्टिकल ये मेरे साथ करते करते गलतियां कर रहे हो आप सीख रहे हो अरे सभी को समझ में आ रही है मेरी बात मैंने क्या बोला सभी आपको समझ में आई आप कितने बच्चों को अपनी मिस्टेक समझ में आई है हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपनी मिस्टेक समझ में आनी चाहिए अब आज आपने यह मिस्टेक करी ना आप लाइफ में फिर कभी मिस्टेक नहीं नहीं करोगे ये बात समझे कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीजों को भी एनालाइज करते जाओ कि गलती सिर्फ तैयारी में नहीं हो सकती गलती सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं हो सकती गलती उस हरबड़ी में हो सकती है वो हर एक वो पॉइंट नीट ट्राई करेगा आपको गिराने का जहां पे थोड़ी सी वो बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक है तो थोड़ी सी आपने सावधानी हटाई कि तुरंत दुर्घटना घट गट सकती है भाई ठीक है तो ऐसा काम नहीं करना है ठीक है अब तो क्लियर है अब सब लोग समझ गए करोगे ऐसी गलती नहीं करोगे ना पक्की बात प्रॉमिस नहीं करोगे ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को ठीक है ठीक है ध्यान से पढ़ोगे ना पक्का लेकिन नीट में ये गलती नहीं होनी चाहिए बाकी बच्चे करेंगे ये यार। उनको करने दो ना उनका मार्क्स जाएगा आप मेरे स्टूडेंट रहे हो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने ये पहले कर लिया ठीक है ऑल राइट चले आगे फिर अब तो इसमें क्या ही बचाइए तो सारी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं और बी करेक्ट हो गया ठीक है हा, अब आते हैं अपने ट्रिक वाली कहानी पे, अब आते हैं ट्रिक वाली कहानी पे, ठीक है सब लोग तैयार हो अब ट्रिक के लिए, सब लोग तैयार हो सब लोग तैयार हो भाई अब एकदम ध्यान से सुनना एक टकी लगा के सुनना जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एक बार आपने ये सीख लिया फिर जितने भी बॉल को लाइड करवा दे ये, कुछ भी करवा दे आप हंसते खेलते बना लोगे रेडी रेडी ऑल इज सेट नोटबुक तैयार है पेन तैयार है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं देखो बच्चों कोलिजन जो है ना वन डायमेंशन में जो आपसे पूछा जाता है वो तीन कैटेगरीज का ही होगा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कोलिजन जो आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ इसी तीन तरह का पूछा जाएगा वन डायमेंशन कौन कौन सा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में ई e का वैल्यू जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो होगा 1 इन इलास्टिक कुछ भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में और परफेक्टली इन इलास्टिक उसमें ई e का वैल्यू होगा 0 तीन टाइप के कोलिजन होते हैं तीनों के ई e की वैल्यू होगी ठीक है अब इसमें कहानी यही आएगी कि m1 मास का बॉल ऐसे चल रहा था बॉल हो सकता है ब्लॉक हो सकता है कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज को कोलाइड करना है ठीक है ओके ठीक है अरे यार कमलेश मजाक मत करो यार एकदम सीरियस चीज पढ़ा रहा हूं मैं अभी मजाक करने का टाइम नहीं पर मजाक करेंगे थोड़ा क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर ठीक है प्लानिट कराए कुछ भी कोलिजन कराए आपको यह सोचना है ये बॉल के है कोई भी कोलिजन हो आपको ऐसे ही समझना है ठीक है ऑल राइट दूसरों ध्यान से मैंने क्या बोला कि कोलिजन के प्रॉब्लम्स तीन तरह के ही हो सकते हैं अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है ठीक है तो ई का वैल्यू होगा वन अगर वो इन इलास्टिक है तो ई e का वैल्यू वन और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकता है और फॉर्मूला e e तो पता ही है ये सारा फॉर्मूला बेसिक बेसिक में सारा कुछ डिराइव हो गया ठीक है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ई e भी दे देंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा आपको ई e भी दे देंगे ठीक है अब सुनना क्या होगा आपसे हमेशा दो चीज पूछी जाएगी आपसे ऐसे सवालों में हमेशा दो चीजें पूछी जाती है दो चीज टारगेट होती है ठीक है क्या फाइनल हमेशा, हमेशा हर क्वेश्चन में देख लेना पैटर्न जाकर के ठीक है हमेशा ये पूछते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमें बता दो और दूसरा बोलते हैं लॉस बता दो लॉस कितना हो रहा है एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है वो बता दो ठीक है तो इलास्टिक कोलिजन में तो कंजर्व रहता है कोई लॉस होगा नहीं और तो प्लास्टिक में भी कहानी ट्रिपल स्टार मार्क करना है क्या बोला आपने डॉक्टर मुकुल सर मैं आकाश बाईजूस का प्रीमियम वाला स्टूडेंट हूं आपकी और एनवी सर की वीडियो वीडियो मैं में चलाता हूं आई एम इन इलेवन बहुत अच्छी बात है मुकुल. ठीक है आप दोनों टीचर से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है डबल तैयारी करो और क्या क्या ध्यान से सुनना अब हमें हमें करना करना है है सिर्फ एक यूज़ करना है। आपके सामने जो बहुत, बहुत, बहुत सारी सारी चुटकियों में हो जाएगी वो चाहे एकदम इलास्टिक हो वो चाहे इन इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक हो ठीक है ये फॉर्मूला सभी को दिख रहा है और यही है अपना ट्रिक फॉर्मूला ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था पहली चीज जो आपसे पूछेंगे वो पूछेंगे फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी ध्यान से सुनो फाइनल वेलोसिटी होता है भैया 1 प्लस ई जहां पे ई है कोई ऑफ रेस्टिट्यूशन वो दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो अपने अग, अगर ऐसे uh, क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 99% केसेस में दिया रहता है और अगर नहीं दिया रहता है तो वो कुछ वो कुछ इनडायरेक्ट वे में आपको वैल्यूज दे, दे देंगे कि भाई इन इलास्टिक इलास्टिक या फिर परफेक्टली कोलिजन हो गया तो इसका मतलब ई e का वैल्यू हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया यानी कि ई e का वैल्यू हो गया जीरो और अगर कहीं कोई बीच में है तो वो वैल्यू आपको दे देंगे ये बात समझ में आ गई वन प्लस ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई टाइम्स ऑफ v initial, e times of v e अब ध्यान ध्यान से सुनना है इसका, इस ये बात. Velocity of center of mass क्या क्या होता होता था भाई? से सुनना, एक ही है जो आपको रखना. इसमें और हम डायरेक्शन के साथ लेते थे हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई चीज गई तो प्लस और अगर उसके उल्टा आई तो माइनस उसी तरह y में भी अगर कोलिजन हो रहा है तो यही कहानी चलेगी क्या है फॉर्मूला m1 v1 यानी कि vcom सबसे पहले निकालेंगे e दिया हुआ रहेगा और इनकमिंग इनिशियल वेलोसिटी तो दी रहेगी अपने को

और प्लास्टिक हो जाए तो क्या करना है सभी बच्चों ने नोट कर लिया ये सवाल चलो चलो अब इस सवाल को करते हैं देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या बोल रहा है और देखो ये सवाल ना टफ मानते हैं लोग अगर आप इसको रेगुलर मेथड से करने जाओगे तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी फिर कहीं ई e के टर्म्स में वो फॉर्मूले आते हैं फाइनल वेलोसिटी के उसके बाद आपका वैल्यू निकलेगा लेकिन यहां पे हमको क्या करना है सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है फाइनल वेलोसिटी जो होती है भैया वो होती है वन प्लस ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बस ठीक है देखो क्या पूछा अ बॉल ऑफ मास वन के जी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ एट मीटर पर सेकेंड एक के जी का बॉल है ये मूव कर रहा है कितने से भाई एट मीटर पर सेकेंड से कोई दिक्कत नहीं इट स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास टू के

प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू देखो एम वन कितना है वन इंटू वी वन कितना है भाई एट प्लस एम टू कितना है टू सेम है तो पॉजिटिव टाइम्स टू डिड बाई एम वन प्लस एम टू यानी थ्री <coughs> सभी को इतना समझ में आया आठ चार बारह और तीन तो कितना आ गया भाई चार आ गया ना वी एम आ गया कितना फोर मीटर पर सेकेंड अब इसको साइड में रख दो अभी इसको क्या करो अभी साइड में रख दो सभी का फोर आ गया इतना तक निकालने में किसी को कोई परेशानी है इतना तक सभी बच्चों ने निकाल लिया हा कि तो यहां पे हम लिख देंगे वी कितना आ गया कैलकुलेट होने के बाद चार ये आ गया फोर मीटर पर सेकेंड ऑल राइट अब पहले केस में इज इक्वल टू वन है फाइनल वेलोसिटी चाहिए मुझे किसकी वन के जी की तो वी फाइनल वन के जी का निकाल लेते हैं ठीक है जो भी इसका नाम रख दो वी डैश रख दो डैश डैश रख रख दो रख, जो भी नाम रख दो यार क्या लिखेंगे हम माइनस ई e का वैल्यू बोलो वन इनिशियल वेलोसिटी बोलो किसका सर वन के जी का वन के जी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर एट अरे समझे कि नहीं समझे क्या कैसे डाला मैंने फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे डाला एक के जी का निकाल रहे ना वी इनिशियल कितना है आठ पहले वाले का क्या आया वैल्यू जीरो जिन बच्चों को जीरो आ गया पहले का वेल डन गुड जॉब अब चलो वी फाइनल निकाल लेते हैं दूसरे वाले का टू के जी का निकालने टू के जी के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वन प्लस ई का वैल्यू वन टाइम्स वी सीओ एम तो वही रहेगा फोर माइनस वन इन टू क्या कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी टू कितना हो गया भाई चार दोनों आठ माइनस दो कितना हो गया छह मीटर पर सेकेंड कितना सेकेंड लगेगा अगर यह आपको फॉर्मूला याद है तो बोलो सभी बच्चों का आ गया जिन बच्चों का आ गया तालियां बजनी चाहिए उनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए अरे समझ गए समझ गए ये सभी को समझ में आया ठीक है ये सभी को समझ में आ गया सभी के आ गया आंसर जीरो और सिक्स चलो अब e इक्वल टू वन बाई टू के लिए खुद से लगाओ तो जल्दी लगाओ जल्दी से लगाओ वाला। अगर मैंने e equal to one by two ले लिया तो कैसे करोगे? बोलो। अगर मैंने e equal to one by two ले लिया तो ये कहानी तो सेम रही है तो फोर फोर मीटर पर सेकेंड ही है ना अब चलो लगा लेते हैं v फाइनल फॉर वन के जी वन के जी क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू टाइम्स वी सीओ एम फोर माइनस ई e हो गया वन बाई टू इंटू वी इनिशियल कितना हो गया आठ देखो क्या हो जाएगा ये कट गया चार से है ना और ये कितना हो गया भाई थ्री बाई टू इंटू फोर तो थ्री बाई टू तो टू से ये चार गया है ना ये तो वन एंड हाफ हो गया ये कितना हो गया थ्री बाई टू इंटू फोर यह गया टू टाइम्स तो सिक्स माइनस फोर कितना बचा टू मीटर पर सेकेंड अरे सभी का आ गया आया कि नहीं अरे बन रहा है चुटकियों में बन रहा है अब समझ रहे हो और ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं भैया ये सारे क्वेश्चन टफ माने जाते हैं समझ लो इस बात को अभी आप दो दो सेकंड में बना रहे हो सिर्फ ये मैजिक फॉर्मूला यूज करके ठीक है चलो दूसरे का निकालते हैं v फाइनल फॉर 2 kg जी निकालें निकालो चलो क्या करेंगे वन प्लस वन बाई टू थ्री सीधा थ्री बाई टू लिख दू थ्री बाई टू इंटू फोर पहला टर्म तो चेंज होगा नहीं माइनस वन बाई टू इंटू टू यही मर गया कितना बचा छ एक यानी कि पांच मीटर पर सेकेंड सभी बच्चों से बन गया क्या सभी बच्चों से बन गया क्या अरे सभी बच्चों से बन गया अब अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो करना चाहिए कितना सेकेंड लगेगा खुद से बताओ यह काम करने में अब आपको कितना कोई मास वास फालतू फाल, तो किसी चीज की टेंशन लेनी है क्या क्या कोई मोमेंटम कंजर्वेशन कोई एनर्जी का इक्वेशन लिखना है क्या क्या लिखना है कुछ बोलो एक लाइन में एक सेकेंड में तुरंत से सॉल्व कर लोगे कर लोगे ना पांच सेकेंड के अंदर पांच से दस सेकेंड में आपसे ये बन जाएगा यार धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो मन मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो हां की ना अरे मजा आया अब अगर मजा आया तो लाइक करना निखिल ध्यान से सुनो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो हमें जब भी दो बॉल्स या दो बॉडी की कोलिजन की बात होगी तो वो तीन तरीके से पूछ सकते हैं एक बार या तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है जिसमें ई e का वैल्यू वन होगा या इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो पहले हमने लिया था जिसमें ई e का वैल्यू वन था हमें हमेशा फाइनल वेलोसिटी के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है क्या फॉर्मूला है फाइनल इज इक्वल टू ऑफ इनिशियल ठीक है सिर्फ ये एक फॉर्मूला हमें लगाना है सिर्फ ये एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है बाबा ठीक है लगते ही आपका सवाल खतम। इससे सिर्फ आपको एक साइन लेंगे। इसमें दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए ऐसा लिखा अगर उल्टा डायरेक्शन में जाते तो फिर उल्टा माइनस लगाना पड़ता अभी देखेंगे वो भी सेम डिवाइडेड बाई एम वन क्लियर अब जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगा दिया सीधा सीधा वी फाइनल आप कैलकुलेट कर सकते हो सीधा एकदम चुटकियों में आप वी फाइनल कैलकुलेट कर लोगे यार कोई टेंशन वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है ना बोलो तो अगर क्लियर है तो e इक्वल टू जीरो वाला करोगे खुद से चलो इज इक्वल टू जीरो अगर ई e का वैल्यू परफेक्टली इन इलास्टिक अरे तीन ही तरह का तो कोलिजन हो सकते ना भाई सोचो ना इस बात को तीन ही तरह के तो हो सकते हैं एक बार वैल्यू एक बार, एक बार एक बार का ठीक दे 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 दे, दे दे, है भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए सेम ही होगी ना बच्चे कैसी बातें कर रहे हो दोनों सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा एक सेंटर ऑफ मास होगा जो सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा ना ठीक है हमेशा पहले VCOM निकालेंगे हमेशा पहले क्या करेंगे VCOM निकाल लेंगे उसके बाद अपना मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे और बस उसमें सब्सिट्यूट करते चले जाएंगे ऐसे केसेस में हमेशा ई गिवेन होगा बिल्कुल अगर नहीं होगा तो ऐसा लिख देंगे परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो गया इज इक्वल अरे स्टेटमेंट में लिख देंगे यार समझ गए श्रीवर्धन क्या करेंगे ये आप नीट के कोई भी सवाल उठा लो इससे बन जाएगा जो भी ऐसे बॉल बॉल के टक्कर वाले बने हैं ना आपके लेवल में जितने भी सवाल आए हैं सबके सब हो जाते हैं ठीक है कर दिया तो क्या रहेगा v फाइनल एक के जी के लिए कर रहा हूं वन प्लस जीरो टाइम्स फोर माइनस ये तो जीरो ही हो गया तो v का वन के जी का हो जाएगा फोर है ना और टू के के लिए भी करोगे तो भी वही हो जाएगा फोर के इसके इसके बराबर ही हो जाएगा ना देखो ये वाला टर्म तो गया तो टू के के लिए भी फोर है ना तो इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ कि दोनों चिपक गए साथ में तो दोनों की वेलोसिटी भी तो सेम रहनी चाहिए ना समझो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझो दोनों की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम का मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे हैं। दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे ना

अब देखते हैं नीट का क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है ठीक है <laughs> सर आप नीट केमिस्ट्री की क्लास लगा सकते हैं क्या हाँ हाँ लगा सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते कोई भी क्लास लगवा लो अब तो सोशल स्टडीज पढ़ लो मेरे से क्या है हाँ कंप्यूटर साइंस सोशल स्टडीज हिस्ट्री डिमांड ही खत्म नहीं होते भाई तुम क्लास करने आयो या ससुराल में आयो <laughs> बोलो <laughs> हाँ सर ये कर दो वो ला दो हो. हाँ <laughs> डिमांडी डिमांडी डिमांड आते जा रहे चलो। ओ, ओके हाँ हाँ भाई बिहार से हैं इसमें क्या हो गया देखो हाँ सर बायोलॉजी पढ़ा दो सब पढ़ा दो चलो करें आगे फिर आगे ही कहानी करें अब देखो एक नीट का क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन बॉल ऑफ मॉस थ्री के जी इज मूविंग विदोसिटी ऑफ सिक्स मीटर सेन केजींग इनोजिट डायरेक्शन को समझे क्या था क्वेश्चन देखो ऐसे ऐसे जा रही थी ना यह पूरी कहानी बोलो ठीक है ठीक है इन इलास्टिक है और इसमें एक चीज मिसिंग है ई e का वैल्यू दिया क्वेश्चन में ई का वैल्यू दिया हुआ था ठीक है ओके, okay. करो करो इसको, करो भाई, करिए 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 करिए, क्या करेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ़ ऑफ़ सेंटर मास निकालने क्योंकि हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या है वी फाइनल निकालना है हमें तो मास्टर फॉर्मूला क्या है वन प्लस ई टाइम्स वी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई टाइम्स ऑफ v इनिशियल e यही है यही है ना करेक्ट अब हम क्या करेंगे <coughs>

अठारह माइनस दो सोलह चार चौक सोलह फोर मीटर पर सेकेंड सभी का आया कितना आया आया सभी का to, फिर किसके लिए निकालने चलो थ्री के जी के लिए निकाल लेते हैं कितना हो गया वन प्लस ई का वैल्यू है हाफ तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं वन एंड हाफ ई टाइम्स ये हो गया फोर माइनस वन बाई टू इंटू सिक्स तो ये कट्टम कुट्टी कर देते हैं इसको ये कट्टम कुट्टी कर देते हैं इसको कितना हुआ तीन दो ना छ माइनस तीन है ना थ्री मीटर पर सेकेंड सभी का आ गया थ्री मीटर पर सेकेंड पहले वाले का हा की ना सभी का आ गया भाई थ्री मीटर पर सेकेंड पहले वाले का पहले वाले का थ्री मीटर पर सेकेंड सभी का आ गया आ गया ठीक है आ गया ना सभी का पहले वाले का थ्री मीटर पर सेकेंड आ गया सेकेंड वाले का करें सेकेंड वाले का करें सेकेंड वाले का v फाइनल यार एक चीज और ध्यान रखना एक चीज और ध्यान ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना ये विद साइन रखनी है अपने को ऐसा ये गड़बड़ मत कर देना कि मतलब सीधा चिपका दे अपन ठीक है ऑलराइट इनिशियल वेलोसिटी जो है वो विद साइन रखनी है ये कौन सा हो गया जब ही वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना ये भी बताने वाली बात है क्या, क्या? कोई तो ये v फाइनल किसके लिए निकालते हैं 1 केजी के लिए अब क्या लिखा हमने 1 1 2 VCOM आया था अरे यार लिखो डायरेक्ट थ्री बाई टू VCOM कितना आया था चार है ना माइनस वन बाई टू ठीक है ठीक है माइनस टू होगा क्यों क्योंकि आपने इसको प्लस लिया था ना तो ये इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लेना पड़ेगा अब ये ये हो गया वन तो ये माइनस वन इंटू माइनस वन हो गया प्लस वन और ये हो गया कितना टू है ना ठीक है तो तीन छात्रा कितने बच्चों ने इसमें गड़बड़ी करी ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलना कितने बच्चों ने ये माइनस साइन में गड़बड़ी करी सच्ची सच्ची बोलना मुझे पता है तुमने करी गलती मुझे पता है सच बता रहा हूं मुझे हंड्रेड परसेंट पता है करीना करीना एकदम ऑनेस्टली बोलो करे हो ऐसा मत करना साइन के साथ इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ जब भी हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जब लिखना है तो साइन के साथ लिखना है अब एकदम क्लियर अच्छा करते-करते रुक गए क्या ठीक है जिन बच्चों ने नहीं की बहुत अच्छी बात है नहीं करना भी नहीं चाहिए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा नीट का आया हुआ सवाल है भाई ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट ठीक है ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट ठीक है चलो थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूं क्योंकि बहुत बार देखो नीट को पता है एनटीए को पता है कि बच्चा यहां गलती करेगा ध्यान से सुनना क्या हुआ निखिल क्यों इतना परेशान हो रहे सर बोर्ड्स पे पे ध्यान ध्यान या नीट दू? बच्चा दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा दोनों ही एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही जरूरी एग्जाम है दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा और पैरल ध्यान देना पड़ेगा नीट में एटलीस्ट मेरे सेशंस में बैठ जाओ बाकी टाइम बोर्ड में देखो कोई दिक्कत नहीं है नीट में देखो बायो आ, आप कवर कर सकते हो रिकवर कर लोगे बायो में ठीक है केमिस्ट्री की जहां तक बात है वो आसानी है और आसानी आएगा वो भी रिकवर कर लोगे मोस्टली दोनों एनसीआरटी बेस्ड है आप बोर्ड के लिए एनसीआर से ही पढ़ोगे लेकिन ये सारे ट्रिक्स ये सारी चीजें आपको कहा मिल रही है बताओ मिस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी पर हाँ जिन बच्चों ने मिस कर दिया है किसी भी रीजन से एक्स वाई जेड वो तो डेफिनेटली आप उस रिकॉर्डिंग देख लो वापस उस चीज को कंसोलिडेट कर लो यार एक फॉर्मूला और सोचो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको बताता हूं हो सकते हैं ठीक है उल्टे साइड से टकराने के कितने केसेस हो सकते हैं ठीक है? है देख लें ये भी देख लें उल्टे साइड से भी तीन ही तरीके से टकरा सकते हैं। या तो परफेक्टली इलास्टिक होगा या तो इन, या तो इसके बीच में होगा या तो फिर इन इलास्टिक होगा यानी कि E के तीन ही सिचुएशन बन सकते हैं इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू हाफ और इज इक्वल टू जीरो क्या पूछा इन्होंने अ बॉल ऑफ मास वन के जी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ एट मीटर पर सेकेंड एक बॉल है कितने के का है भाई वन के का ये जा रहा है इधर एट मीटर पर सेकेंड से ठीक है इट स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास टू के चलो ये टू के का है विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड फाइंड द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन चलो एनर्जी लॉस पूछा है पर मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं अगर ये इधर जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड से ठीक है तो इन तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो क्या एनर्जी लॉस के फॉर्मूले पे आते टेंशन मतलब ठीक है इन तीनों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो क्या ठीक है एनर्जी लॉस अभी अपन करेंगे टेंशन मतलब अभी करेंगे एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस का भी एक फॉर्मूला दूंगा कहानी पूरी खत्म हो जाएगी ठीक है तो क्या आप इन तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं क्या फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हां की ना क्या करेंगे फाइनल इज़ इक्वल टू माइनस ई टाइम्स इनिशियल करेक्ट अब हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को प्लस लेंगे और उसके उल्टे साइड को माइनस सबसे पहले चाहिए हमको वी एम तो क्या करेंगे वीसीओ एम के लिए क्या करेंगे बोलो एम वन वी वन वन इंटू एट एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू टू इन टू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यानी थ्री ठीक है सभी को समझ में आया कितना हो गया भाई आठ माइनस चार तो कितना हो गया ये फोर बाई थ्री आ गया सभी को समझ ये बात सबको क्लियर हो रही है बोलो बोलो एकदम क्लियर हो रही है ना ठीक है अच्छा सेम डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है क्या हाँ तब तो ये प्लस हो जाएगा सेम डायरेक्शन बोला तो अपन कर ही चुके हैं ना तब तो ये प्लस हो जाएगा सेम डायरेक्शन है तब प्लस हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा पर ये बातें आपको क्लियर हो गई ना ये बातें आपको क्लियर हो गई ना एकदम कोई भी सिचुएशन दे दे प्लस दिया अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा और इनिशियल वाले में भी वैसी ही कहानी रहेगी वी इनिशियल को भी आपको डायरेक्शन देख के ही आराम से उसको आंसर करना है एकदम क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो लॉस की बात करते हैं अब, जो कि इन्होंने पूछा था कि लॉस कितना होगा तो लॉस का फॉर्मूला लिखो अब लॉस एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ टाइम्स एम वन एम टू डिवाइडेड by एम वन प्लस एम टू ठीक है टाइम्स यू रिलेटिव का स्क्वायर इनटू वन माइनस ई अरे एकदम आसान है अभी घबराओ मत एकदम आसान फॉर्मूला है मैंने क्या बोला लॉस अगर पूछेंगे तो हमें यह फॉर्मूला याद रखना है देखो एक बार वापस से लिख देता हूं वापस से लिख देता हूं लॉस के लिए यह तो वी फाइनल वाली कहानी है अगर लॉस पूछा उन्होंने लॉस तो लॉस के लिए फॉर्मूला होगा हाफ हाफ टाइम्स किसी किसी बुक में इसको म्यू लिख दिए हैं कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक है वहीं पे ये सब फॉर्मूला आपको मिलेगा रेगुलर बुक में तो मिलेगा भी नहीं ठीक है तो इसको म्यू लिख देते हैं लेकिन हम अपन ये मानते हैं कि हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाई सम मासेस टाइम्स यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू वन माइनस ई का स्क्वायर ठीक है फॉर्मूला एकदम फिर से ध्यान रखो ठीक है हाँ ये सारे क्वेश्चन एच सी वर्मा में है भाई एच सी वर्मा ले लो कोई भी बुक उठा लो अब कोलिजन के सब बन जाएंगे नीट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो कोई भी ऐसा उठा लो सब बन जाएंगे ठीक है अब देखो क्या होगा जब भी लॉस का फॉर्मूला आता है ना तो दिक्कत क्या होती है फिर से वो बहुत लंबा चला जाता है बहुत लंबा चला जाता है इसमें सिर्फ अब उस केस में हमको क्या निकालना पड़ता था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब जब लॉस है तो हमें रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी अब बताओ इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यू रिलेटिव कितनी होगी भाई आठ इधर एट माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स हा कि ना रिलेटिव वेलॉसिटी इसकी कितनी होगी टू भी इधर ही जा रहा है तो जब भी हम, तो हम रिलेटिव एक बॉडी को रेस्ट में करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना होता है मान लो तुम इसी पे बैठ गए जैसे ही तुम इस पे बैठे तो तुम आ गए रेस्ट में और जैसे ही तुम रेस्ट में आए तुमने अपनी उठाई और इसको दे दी इन ऑपोजिट डायरेक्शन अब इसकी नेट वेलोसिटी तुमको कितनी दिख रही है तुमको कितनी दिख रही है तुमको यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है आठ माइनस दो समझ रहे हो ये बात देखो जितनी देर में ये आठ मीटर चल के आता अगर तुम रेस्ट में होते तो ये आठ मीटर चल के आता एक सेकंड में लेकिन तुम भी तो उतनी देर में दो मीटर आगे चले गए तो ये नेट आपको कितने से दिखा आते हुए छह मीटर से दिखा समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं जब भी किसी भी चीज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो हम दूसरे को रेस्ट जिस भी चीज को रेस्ट पे किया उसकी वेलोसिटी उठाओ और दूसरे को दे दो इन ऑपोजिट डायरेक्शन एकदम सिंपल है एकदम सिंपल है ना एकदम क्लियर है यह चीज ठीक है अच्छा अब इसकी कहानी देखते हैं लॉस कितना होगा तो तीन ही केसेस हो सकते या तो ई e का वैल्यू वन हो या तो ई e का वैल्यू कुछ बीच में हो जीरो और वन के बीच में जीरो पॉइंट सेवन दे सकता है जीरो पॉइंट थ्री दे सकता है कुछ भी दे सकता है अपन हाफ ले लेते हैं ठीक है वन बाई टू हो या तो ऐसा हो या तो फिर ई e का वैल्यू जीरो तीन केसेस तो हो सकते हैं लॉस निकालने के ठीक है हाँ फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो सबसे आसान तरीका यही है सबसे सिंपल तरीका यही है समझे कि नहीं समझे समझ गए ये बात ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे लॉस कैलकुलेट करेंगे कैसे हाफ प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस कितना होगा भाई टू वन इंटू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टू यानी कि थ्री है ना टाइम्स यू रिलेटिव कितना आया सिक्स सिक्स का स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई का वैल्यू पहले है वन और उसका स्क्वायर ठीक है तो कितना हो गया वन माइनस वन ये टर्म हो गया जीरो तो पूरी कहानी हो गई यानी कि हो गया zero. E is equal to one पे जीरो लॉस होता है कि नहीं होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में देर इज नो लॉस देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता है भाई बोलो एकदम एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रही है ना ये फॉर्मूला एकदम समझ में आया बोलो कोई भी क्वेश्चन जहां पे एनर्जी लॉस की बात करे रेशियो ऑफ एनर्जी लॉस टू इनिशियल एनर्जी की बात करे आप सीधा ये फॉर्मूला चिपकाओ और दो सेकंड में आंसर ले चॉकलेट खिला करके निकल जाओ बोलो <laughs> एकदम समझ में आया ना समझ में आ रहा है कि ये दो दो मास्टर फॉर्मूले बच्चों दो चीजों के लिए मैंने आपको बताया एक मैंने ये बताया फाइनल Final... और यही दो तो चीज वो पूछेंगे इसके बाहर कुछ नहीं पूछते हो हर बार यही दो चीज पूछते हैं हर बार यही दो चीज वो पूछेंगे यार और बाकी तो फालतू फालतू चीज पूछ सकते है ना बाकी तो फालतू फालतू चीज कि बताओ इलास्टिक कोलिजन कोलिजन में में क्या क्या कंजर्व कंजर्व होता होता है या हर कोलिजन में क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ठीक है ये बात समझ में आ रही है एकदम मजा आ रहा है ये टॉपिक अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या किसी को इन दो फॉर्मूले के बाद अब ये सारे कोलिजन किसी को मुश्किल लग रहे हैं क्या बोलो अब इन दो दोलिशन के बाद किसी को ये टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं क्या न्यूमेरिकल्स मुश्किल लग रहे हैं क्या लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे ना एकदम नहीं लगेंगे यार बिल्कुल नहीं लगेंगे बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए आपको क्या करना है? मैंने बोला आपके लिए एकदम काम मैं कम कर चुका हूं आपका जो काम है मैंने एकदम कम कर दिया मैंने आपको बोला आप भूल जाओ यार कंजर्वेशन फंजर्वेश सब हटा दो फॉर्मूले याद रखो ये दो ही चीज पूछते हैं यही दो चीज वो पूछते हैं और ये दो चीज के लिए आप ये दो फॉर्मूले याद रखो आप सबसे पहले कर जाओगे ठीक है बनाना हलवा ठीक है बोला था ना मैंने कि हलवा बनेगा बोला था ना डेली डेली हलवा बन रहा ना गाजर गाजर के हलवे खा रहे हो मूंग के हलवे खा रहे हो क्या क्या कितना हलवा खाओगे भाई <laughs> समझ में आ रहा है एकदम क्लियर हुआ अच्छा अगर मैं इसी में बोलूं कि मैंने ई का वैल्यू हाफ ले लिया तो क्या हो? अगर मैंने ई e का वैल्यू वन बाई टू ले लिया तो क्या होगा तो फॉर्मूला कहां बदलेगा ये वाली कहानी तो सेम रहेगी भाई यहां पे हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी कि कितना है? 36. तो 1 minus 1 by कितना बचा थ्री बाई फोर अगर मैं यहां लिख दू थ्री बाई फोर सभी को समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन तो कितना हो गया ये? ये कट जाएगा है ना है ना है कि नहीं और यहां पे क्या है ऊपर भी तो है यार यहां पे यहाँ पे टू बाई थ्री देखो यहाँ पे टू बाई थ्री देखो अब चलो काटते इसको ठीक है ये ये जाएगा बार, बार में आ, ये टू, से टू मर गया ये जाएगा चार 12 करेक्ट यानी कि कितना लॉस आ जाएगा भाई नाइन जूल्स समझ में आई बात अरे समझ में आई बात एकदम सबको क्लियर हो रहा है ना कि क्या हो रहा है यानी कि पहले वाले केस में हमको वी सीओ एम चाहिए और दूसरे वाले केस में हमको वी रिलेटिव चाहिए पहले वाले केस में हमेशा किस पे ध्यान रखेंगे हमें वी सीओ एम चाहिए रहेगा और लॉस वाले केस में हमें क्या चाहिए रहेगा क्या चाहिए रहेगा लॉस वाले केस में क्या चाहिए रहेगा रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी इनिशियल वाली रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वाली रिलेटिव वेलोसिटी और एकदम मजा आया कि नहीं आया अच्छा अगर मैंने ई e को जीरो बोल दिया तो क्या करोगे बोलो चलो वापस लिख लेते हैं सबको ई e को अगर मैंने जीरो ले लिया अगर ई e जीरो होता तो क्या होता लॉस का तो वही फॉर्मूला होता हाफ इंटू M1 M2 यानी कि टू इंटू वन तो टू डिवाइडेड बाई M1 वन प्लस यानी कि टू बाई थ्री इंटू वी रिलेटिव था यू यू रिलेटिव था सिक्स वन माइनस जीरो का स्क्वायर या जो भी वन माइनस जीरो तो ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई ये यहाँ पे वन ही है तो क्या फर्क पड़ गया है ना का स्क्वायर था ये है ना ये टू से टू मर गया कितना बचेगा छत्तीस है ना कितना जूल हुआ Loss. 12 जूल. समझे कि नहीं समझे अरे बना एकदम चुटकी में बना कि नहीं बना और ये सब क्वेश्चन बच्चों टफ माने जाते हैं आप किसी ऐसे बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दे करके बताना आपके ही साथ स्कूल में क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे ना आप किसी को दे देना ये सवाल बैठा करके देना कि हाँ देखो अच्छा कोलिजन पढ़ लिया क्या तो? हाँ हाँ सब पता है मुझे चल ठीक है एक क्वेश्चन देता हूँ बना हाँ, चलो बना के दिखाओ वो ना इक्वेशन सी लिखते रह जाएगा <laughs> वो हाँ टॉपर को दे करके देखना भाई जाओ जाके टॉपर जो जो भी तुम्हारे नजर में जो टॉपर है ना जिसको बहुत ज्यादा आता है ना जिसको बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं जिसको बहुत मुझे बहुत फिजिक्स आती है जिसको बहुत नंबर आते हैं आपके हिसाब से जो बहुत तेज है जाओ उसको जाकर के देना और देखना कि कौन पहले बनाता है तुम पहले बनाते हो या वो पहले बनाता है तो असली टॉपर कौन हो रहा है कौन अब उसको पच्च... बिल्कुल पछाड़ दे रहा है समझ रहे हो बात हाँ नहीं निगेटिव ऐसा नहीं करेंगे देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कभी टक्कर ही नहीं हुई समझ रहे ये बात ठीक है नेगेटिव का मतलब क्या वो उल्टे साइड से ले लोगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है समझ में आया तो असली टॉपर असली जो कहानी है वो तभी लिखी जाएगी जब आप एक्चुअली में एक्चुअली में नीट में टॉप करोगे तब जब आप एक्चुअली में नीट में रैंक लेकर के आओगे तब जब आप एक्चुअली में एम्स में चले जाओगे ना वो बेचारा क्लास में टॉप करता करने दे भाई, ले ले तो कोई बात नहीं।, नहीं चाहिए मेन क्या है एम्स में जाना मेन एम्स में अगर आप पहुंच गए नीट में अगर आपने अपने जितने भी और उसमें ये गलती भी करेंगे देखना तुम वो ना गलती भी करेंगे ठीक है तो जब एम्स में जाना तब उनको भी पता चलेगा कि भाई असली टॉपर कौन था तो आज के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है बच्चों हमने देखा कि कैसे कैसे मिस्टेक्स हो सकते हैं कैसे हर बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, है ना दुर्घटना से देर भली ये भी हमने सीखा आज सीखा कि नहीं सीखा और हमने दो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखे जिसके बेसिस पर हम इस तरह के क्वेश्चन को दस सेकेंड में दस सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं बोलो मजा आया कि नहीं आया अब अगर मजा आया हो ये पढ़ने के बाद मजा आया हो आपसे क्वेश्चन बना हो और अब मजा आया हो तो अब आप लाइक करना सेशन को ठीक है जो बाद में भी देख रहे हैं उनके लिए भी यही है अगर आपको सच में मजा आया हो ठीक है तो आप लाइक करना समझ में आई मेरी बात देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे मुझे पता है आसान आसान चीजें आप खुद भी कर लोगे यहां पे फंसते हो जहां पे भी फंसते हो जहां पे चांसेस हैं कि आप मिस्टेक कर दोगे जहां पे चांसेस हैं हां बिल्कुल डेली लाइव आते हैं यार और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन नहीं किया यार टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ वहां पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे है ना ठीक है तो फिर चलो आपको और क्या करना है आपको बस बैठ करके थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और अपना एक्यूरेसी चेक करते रहना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपना टाइम और एक्यूरेसी चेक करते रहना कि प्रैक्टिस के वक्त मेरे कितने सवाल सही होते हैं कितने सवाल गलत होते हैं कैसे कैसे टाइप के मिस्टेक होते हैं क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है क्या समझने में मिस्टेक है क्या क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक है इन सब चीजों को ना नोट करते रहना और ये इंश्योर करना बच्चों कि आपसे मिस्टेक रिलेट रिपीट ना हो हमेशा मिस्टेक आपसे रिपीट ना हो ठीक है ऑल right. चलिए तो फिर आज के सेशन के लिए बस इतना ही यहीं पे कहानी खत्म करते हैं बाकी तो सारा कैलकुलेशन है जो आप कर ही लोगे ई का वैल्यू वन और हमने निकाल ही लिया ना सारा कुछ नौ जूल आ गया था बारह जूल आ गया था और एक में तो कोई एनर्जी लॉस हो ही नहीं रही थी राइट तो खैर ये सारी कहानी तो हो ही गई खत्म तो समझ गए आप अब मेरे पास आपके लिए दो असाइनमेंट क्वेश्चन है दो होमवर्क क्वेश्चन है बोलो करोगे पक्का और करने के बाद मुझे ये सेशन खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस कि आप ये ट्रिक यूज करोगे और प्रीव, ये सब नीट के प्रीवियस हैं तो आप पक्का करोगे करोगे ना करके मुझे चैट में बताओगे कि हां सर ये ट्रिक भी सीख गए और ये क्वेश्चन भी बन गए हमसे ठीक है चलो ये रहा पहला क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यही क्वेश्चन कर लो कोई बात नहीं ये रहा पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लो क्या पूछा है बॉडी ए ऑफ मास फोर फोर एम मूविंग विद स्पीड यू कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास टू एम एट रेस्ट द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर आफ्टर इलास्टिक इन नेचर मतलब ई e का वैल्यू क्या हो गया भाई One हो गया आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाई कोलाइडिंग बॉडी ए इज ए ने कितना एनर्जी लूज किया ये आपको बताना है ठीक है आई थिंक आप आराम से बना लोगे है ना और इसके बाद इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे वो भी आप बना लो ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बच्चों बहुत सारे पब्लिकेशन पब्लिशर्स आपको देते हैं आप किसी का भी अच्छा पब्लिशर का जाकर के चूज कर सकते हो और ले सकते हो ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वो तो डेजिग्नेटेड क्वेश्चन है ना जो पहले आए हुए हैं तो वो तो वो सेम ही रहने वाले ठीक है सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करना है सॉल्व तो आपको खुद करना है पर अगर आप चैप्टर वाइज कर पाओ तो वो बेटर है अगर आप चैप्टर वाइज निकाल पाओ तो वो बेटर है ठीक है डन अरे तुम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया सॉल्व भी कर लिया क्या? हाँ? एट बाई नाइन करेक्ट है भाई ठीक एट बाई नाइन करेक्ट चलो एट बाई नाइन करेक्ट ये लो ये लो ये फाइनल असाइनमेंट क्वेश्चन ले लो हटा ये कर लो चलो ये कर लो ये कर लो, ये कर लो भाई ये असाइनमेंट क्वेश्चन है अभी मत करना सेशन के बाद मुझे चैट बॉक्स में बताना कि आपने

हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे करना पड़ेगा क्या आंसर आप चैट बॉक्स में डाल दोगे सेशन खत्म होने के बाद और कमेंट में भी बताना कि आपको कितना मजा आया सेशन देख करके कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखी और कितने कितना अच्छा लगा आपको मेरे साथ पढ़ के पहले आप कहाँ पे थे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ आपको मजा आता है कि नहीं आता है तो फिर मिलते हैं कल कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों नीट का फॉर्म अब किसी भी वक्त रिलीज हो सकता है किसी भी टाइम पे आपके नीट का फॉर्म आ सकता है तो मैं आपको कल बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए तो आप कल के सेशन को बिल्कुल मिस मत करना नीट का फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलता थोड़ा सा विंडो मिलता है सिर्फ करेक्शन का और वो भी कुछ रिलेटिव करेक्शन होते हैं ये सारी बातें कल बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूं मैं नहीं चाहता कि बच्चा किसी भी नू कैंड कॉर्नर की वजह से कहीं से भी कोई चीज मिस हो जाए ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है आप जरूर ट्राई करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना आया और ये भी बताना कि आपको कितना मजा आता है मेरे साथ पढ़ने में और आप और आप ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहते हो आप कि मैं शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊं और ऐसी चीजें आपको कराऊं ये सारी बातें आप मुझे बता देना ठीक है तो कल का सेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है मिलते हैं कल तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट दोस्त और मेंटर मृणाल कल मिलेंगे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे जस्ट कीप लर्निंग कीप थिंकिंग स्टे ऑसम सी यू Again tomorrow, all my future doctors. All right.